सावरकर मूवी रिलीज हुई और रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। पहले दिन इस फिल्म ने मुश्किल से 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। हालांकि फिल्म का बजट सिर्फ 20 करोड़ रुपए है, तो कहीं ना कहीं फिल्म हिट तो बेशक हो जाए, लेकिन जैसी उम्मीद थी रणदीप हुड्डा को कि उन्होंने जिस टॉपिक को चुना है उससे लोग थिएटर की तरफ भागेंगे और फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस कर जाएगी, ऐसा लगता है वो तो नहीं होने जा रहा। एक तरफ पूरा देश इलेक्शंस में बिजी है, चाहे कोई चुनाव लड़े ना लड़े, लोकसभा चुनाव में सभी इंटरेस्ट लेते हैं और न्यूज़ में लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अलावा IPL भी चल चुका है, इसीलिए शाम के शो में शायद कम भीड़ रहे जितनी आमतौर पर रहती है। और सबसे बड़ा कारण इस फिल्म को जो रिव्यूज़ मिले हैं, अगर कुछ रिव्यू देने वालों को छोड़ दे, ज़्यादातर इस तरह के रिव्यू हैं कि फिल्म का डायरेक्शन काफ़ी कमज़ोर है, फिल्म की कहानी फैक्ट से मैच नहीं करती और यही कारण है कि फिल्म को पहले दिन सफ़र करना पड़ा। अब देखने वाली बात होगी रणदीप हुड्डा की ये फिल्म सफल हो पाएगी या नहीं। अगर फिल्म 25 करोड़ रुपये कमा लेती है तो हिट मानी जाएगी, जो शायद कमा भी ले। लेकिन 80-100 करोड़ रुपये तो इस हिसाब से नहीं जाने वाली, क्योंकि कुछ बड़ी फिल्में रिलीज़ होने जा रही हैं आने वाले वक्त में। 2 हफ्ते बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी रिलीज़ हो जाएगी और ऐसे में रणदीप हुड्डा के लिए बड़ा सेटबैक है। उन्होंने तो बहुत बड़ी उम्मीद लगाई थी इस मूवी से, लेकिन पहले दिन का बिजनेस तो उनको निराश ही करेगा। अब शनिवार रविवार से उन्हें बड़ी उम्मीद होगी, वो चाहेंगे कि शनिवार रविवार दोनों दिन मिला के कम से कम 15 करोड़ का बिजनेस तो ये फिल्म करे, लेकिन कर पाएगी या नहीं ये देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।